students, this is Ethel Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 9, Algebraic Expressions of Standard 8 Maths NCERT. Last lecture में अपन ने again multiplication of the expressions पढ़ा था, multiplication of binomials पढ़ा था, वही exercise को again continue करेंगे, that is exercise 9.4, question number 3, simplify. Basically इसमें क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है एंड जो भी है उसको एडलेस करना है, जो दिया है उसको एडलेस करना है. सो एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर कुछ अराउंड 8 क्वेश्चंस है, मैं 1, 2, 7, 8 करवाऊंगी, ठीक है, 1, 2, 7, 8. सो कंटिन्यू द फर्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25. ज्यादा एक्साइटमेंट में इसको x माइनस 5 एक्स प्लस 5 मत मान लेना, ये x स्क्वायर माइनस 5 है और ये x प्लस 5 है. सो अपन आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, राइट, अपन को डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा. तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू x, दैट इज x क्यूब, फिर इसको इसके साथ, तो प्लस 5 एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ, दैट इज माइनस 5 एक्स, इसको इसके साथ, प्लस माइनस माइनस ही होता है, 25. क्लियर? सो दिस इज द फाइनल आंसर. नो, ये फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज द प्लस 25 लिखा है. सो माइनस 25 प्लस 25 कट जाएगा, माइनस 25 प्लस 25 कट जाएगा. सो फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x. दिस इज द फाइनल आंसर. Right, student, this is the final answer. Similarly, next question, question number 2 of the same question, question number 4. A square plus 5, B cube plus 3 plus 5. Clear? So, A square ko pehle in dono terms ke saath, 5 ko in dono terms ke saath, fir plus 5 karenge, right? Because according to the board mass, pehle bracket open hote hai, multiplication hote hai, fir addition pe jump hote hai, right? So, A square into B cube, that is A square B cube. A square into 3, that is plus 3A square. 5 into B square plus 5B, sorry, B cube. And 5 into 3, that is plus 15. राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. नाउ प्लस 5 करेंगे, सो आगे वाला तो एज इट इज सेम रहेगा, दैट इज ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब. नाउ प्लस 15 प्लस 5 प्लस 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 15 प्लस 5 इज 20, 15 प्लस 5 इज 20. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्लियर स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दो तीन स्टेप के अंदर आंसर आ जाता है. अगर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन करोगे, सेम वेरिएबल है तो प्रोडक्ट सॉरी पावर को ऐड करना है, ये कंसेप्ट को दिमाग में लेके चलोगे, सम्स बहुत इजी है. मल्टीप्लीकेशन सबसे इजी पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस. ओके, सो कंटिन्यूइंग विद द सेवेंथ क्वेश्चन. Question number 7. 1.5x minus 4pi, 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. Okay? So, पहले क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद फाइनली इन दोनों को एडलेस जो भी है वो करेंगे. सो 1.5 को तीनों के साथ करेंगे, 4y को भी तीनों के साथ करेंगे. 1.5x into 1.5x क्या होता है, 15 15s are 225 कितना होता है, 225. इसमें भी एक नंबर, इसमें दो नंबर से पहले पॉइंट रख देंगे, इसमें एक नंबर से पहले पॉइंट है, इसमें भी एक नंबर से पहले पॉइंट, तो अपन क्या करेंगे, दो नंबर से पहले पॉइंट रख देंगे. x into x, x square. Now 15 4s are 16, so plus 60, लेकिन एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा,
सो 6.0, तो 0.0 में से 0 हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6.0 तो 0.0, पॉइंट के बाद 0 सिर्फ है तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो मैं ओनली 6 भी लिख सकती हूँ. 1.5 × 4 = 6, क्लियर. सो 6xy, 1.5x × 4y will be 6xy plus 1.5 × 3, that is 4.5x. इधर तक क्वेश्चन राइट. अब माइनस फोर फोर पाई को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस फोर फोर इंटू 1.5 माइनस है तो ऐसे से पहले माइनस लगा दूंगी, 15 × 4 = 60 एंड अगेन एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा तो 6 हो जाएगा. सो 6xy माइनस, सब में माइनस ही लगेगा बिकॉज इधर माइनस है राइट. 4 × 4 = 16, 16y² माइनस 12y, क्लियर. एक मिनट, ये 16y² माइनस 12y आगे लिख देती हूँ, 16y² माइनस 12y, ओके. अब ये वाले भी लिखने बात की है, माइनस 4.5x प्लस 12y राइट, क्लियर. अब 12y माइनस 12y प्लस 12y एज इट इज कट जाएगा, माइनस 12y प्लस 12y एज इट इज कट जाएगा. नाउ लाइक टर्म्स को बाजू बाजू में लेंगे, एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज अकेला रह जाएगा, ठीक है. 6xy 6xy, तो ये दोनों भी कट जाएगा, प्लस माइनस, प्लस 6xy माइनस 6xy दोनों कट जाएगा राइट स्टूडेंट्स, ओके. प्लस 4.5x माइनस 4.5x भी कट जाएगा, प्लस और माइनस वाले कट ही जाएंगे, तो बचा क्या, माइनस 16y² 2.25x² माइनस 16y², क्लियर. दिस इज द फाइनल आंसर, मार्क इट इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड दिस क्वेश्चन इट्स वन. ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी माइनस सी, क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ ए विल बी मल्टीप्लाई बाय ऑल दिस टर्म्स राइट, सो ए इंटू ए विल बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी विल बी ए बी प्लस ए इन सॉरी माइनस, इधर माइनस है सो माइनस ए सी, अगेन बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, नाउ सी प्लस सी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ओके. सो ए सी एंड सी ए एक ही होता है, ये प्लस सी ए माइनस ए सी ए कट जाएगा. ए बी एंड बी ए एक होता है लेकिन दोनों प्लस है सो इसकी कटेगा नहीं, बी सी ये माइनस है ये प्लस है तो ये दोनों भी कट जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स. सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए दो बार है तो 2ab हो जाएगा, ab दो बार है तो 2ab हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्लियर. ये फाइनल आंसर है, अच्छे से इसको गो थ्रू करो. ये सब भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ये आइडेंटिटी बना देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स. फैक्टराइजेशन पहले कर दिया है तो इस चीज का फायदा आता है कि अपन कोई चीजें समझ आने लगती हैं. इसके बाद अपन को फैक्टराइजेशन की आइडेंटिटीज ही आने वाली है, वो एक्सप्लेन करने वाली हूं. ओके, now we'll continue with the identities, then we'll start with the exercise right. Okay, so the first identity, there are three standard identities. The first identity is a plus b whole square. अब तो फैक्टराइजेशन के बाद ये चीज इजी हो जाती है, सबके मुंह पे होगा, a plus b whole square की फॉर्मूला क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो जाती है, ए स्क्वायर
माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या हो जाती है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन आइडेंटिटी अपन बहुत डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन अपन ने ऑलरेडी पहले कर दिया है, तो ये तीनों फॉर्मूला अपन को बहुत अच्छे से आते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तीनों को बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। अब जो आया है वो एक और फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी, वो क्या बोलते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो ये एक्स है उसका स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी एक्स तुम कुछ भी लिख सकते हो, इन लोगों ने ए प्लस बी एक्स लिखा है, प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब क्या कि एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों को एडिशन करके एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। तो ये आइडेंटिटी रिलेटेड सम्स भी तुमको ये चैप्टर में दिए, इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। क्लियर स्टूडेंट्स, जब सम्स करेंगे तो ये आइडेंटिटीज एकदम मुंह पे हो जाएगी, तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं, लर्न करने की भी जरूरत नहीं, जैसे जैसे सम करोगे वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो द होल एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन यूजिंग सच आइडेंटिटीज, विल स्टार्ट द सेम 9.5 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Use a suitable identity to get each of the following products. तुमको इसके अंदर खुद से पता चलना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी किधर यूज करनी है, क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वन, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, जब दोनों प्लस होता है, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री जब दोनों प्लस होता है तो वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगती है, जब दोनों में प्लस होता है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगती है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर टू थ्री सिक्स एक्स प्लस नाइन, क्लियर। जब ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन दोनों प्लस हो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लग जाएगी, क्लियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन विल द फाइनल आंसर। ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोला है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको आइडेंटिटी से ही सम करना कंपलसरी है, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर टू सिमिलर पैटर्न है, वो नहीं करवाऊंगी। थ्री, दोनों माइनस हो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, दोनों माइनस हो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर करने में, तो थ्री टू ए माइनस सेवन टू ए माइनस सेवन, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब ये, बी मतलब ये, ठीक है। सो ए स्क्वायर मतलब टू ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू टू ए इंटू सेवन प्लस सेवन का होल स्क्वायर, क्लियर। मैंने सिर्फ ए की जगह पे टू ए लिख दिया और बी की जगह पे सेवन लिख दिया, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला में एज इट इज डाला है। अब टू ए का स्क्वायर मतलब फोर ए स्क्वायर, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर एंड ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस टू टू सा फोर फोर सेवन सा ट्वेंटी एट ए प्लस सेवन सेवन सा फोर्टी नाइन, सो दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स। फोर ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट ए प्लस फोर्टी नाइन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी इसी पैटर्न का है लेकिन फ्रैक्शन के अंदर है, सो अपन क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर
माइनस वन अपॉन टू, थ्री ए माइनस वन अपॉन टू, दोनों जगह माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, थ्री ए, सो थ्री ए का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री ए इंटू वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू क्या आ गया, माइनस है वो नहीं लगाना है, सिर्फ वन अपॉन टू लिखना है, माइनस की साइन किधर भी नहीं लगानी है, जो फॉर्मूला के अंदर है बस वही, प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। क्लियर? सो थ्री ए का होल स्क्वायर कितना होता है, नाइन ए स्क्वायर माइनस टू टू कैंसिल, मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल कर सकते हैं, थ्री ए प्लस वन अपॉन वन का होल स्क्वायर वन, टू का होल स्क्वायर फोर, वन अपॉन फोर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है, जैसे जैसे सम करोगे और क्लियरिटी आती जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 1.1 एम माइनस 0.4, 1.1 एम प्लस 0.4, राइट? सो ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 1.1 एम होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब 1.1, 11 11 जा 121, सो 1.21 एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1.21 एम स्क्वायर माइनस 4 4 16, दो नंबर से पहले पॉइंट, सो 0.16, दिस इज द फाइनल आंसर। 11 11 जा 121, 1.1 इंटू 1.1 मतलब क्या हो गया, 121, दो नंबर से, इसमें एक नंबर, इसमें एक नंबर, दो नंबर से पहले पॉइंट। सिमिलरली इधर भी ऐसे ही करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अच्छे से गो थ्रू करो, मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ वेरी इजी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर एट में करवाऊंगी, नाइन्थ में करवाऊंगी, टेंथ वेरी इजी होमवर्क। सो आफ्टर दिस सिक्स एट एंड नाइन मैं करवाऊंगी, फिर वो बाकी सब होमवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में आगे पीछे कर दो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोल सकती हूँ, बिकॉज ए स्क्वायर के आगे माइनस है, बी स्क्वायर तो ऑलरेडी प्लस है। क्लियर? तो इसमें जो बी है वो ए हो जाएगा, ए है वो बी हो जाएगा। क्लियर? सो ए स्क्वायर ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। सो बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब, ए मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, बी फोर माइनस ए फोर, दिस इज द फाइनल आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फोर माइनस ए फोर। क्लियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, कंफ्यूजन साइन की बहुत हाई होती है, टीचर्स का वो फेवरेट होता है स्टूडेंट्स के मार्क्स कटने के लिए। क्लियर? तो इसकी क्लियरिटी रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी, माइनस ए प्लस सी मतलब ये क्या हो गया, सी माइनस ए, सी माइनस ए ऐसा बोल सकती हूँ मैं, ऑब्वियसली बोल सकती हूँ, दोनों जगह सी पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया,
ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लग गई, दोनों माइनस हो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सो ए मतलब सी तो सी का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सी इंटू ए प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट विल बी सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर. क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर. सिर्फ फॉर्मूला में डाला है लेकिन कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है दैट इज द क्रक्स. राइट स्टूडेंट, अच्छे से उसको गो थ्रू करो. इसके बाद वन लास्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर नाइन्थ. ओके, क्या लिखा है, x अपॉन टू प्लस थ्री वाई अपॉन फोर, सिमिलरली x अपॉन टू प्लस थ्री वाई अपॉन फोर. सो ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों सेम साइन होगी तो उसका होल स्क्वायर होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट स्टूडेंट्स, नाउ ए स्क्वायर दैट इज x अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स अपॉन टू इंटू थ्री वाई अपॉन फोर प्लस थ्री वाई अपॉन फोर का होल स्क्वायर. राइट, सो एक्स अपॉन टू दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन फोर प्लस टू टू कैंसिल थ्री एक्स वाई अपॉन फोर प्लस नाइन वाई स्क्वायर अपॉन फोर, फोर सिक्सटीन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्लियर, खाली जो फॉर्मूला में डाला है उसको फॉर्मूला से हटा देना है. क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.5. एल्स ऑल द क्वेश्चन विल बी कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो गुड बाय स्टूडेंट, विल एंड आवर लेक्चर हियर बाय कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय.